अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड गाइस गाइस दिस इज आवर न्यू वीडियो गाइस मेरी पिछली वीडियो में सिर्फ मैंने गो थ्रू दिया था कि आपने इनिशियल टू आईसीसीबी का सफर कैसे ट्रेवल करना है और आपको कैसे वो सारी चीजें क्रॉस करेंगी और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपने परफॉर्म करने होते हैं। और मैंने आपको लास्ट डेट बताई थी कि 17 मई लास्ट डेट है पीएमए 148 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जिन कैंडिडेट्स को इश्यू आ रहा था कि किस तरह हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना फिल करना है और किस तरह वेबसाइट पे जाके हमने अपना लिंक ओपन करना है और उसमें जाके अप्लाई करना है, और कुछ लोगों ने अपना जिन अप्लाई कर चुके हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे देखनी है। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है। गाइस हम सबसे पहले वेबसाइट पे जाते हैं, आर्मी की वेबसाइट पे। मैं अपनी वीडियो को बकायदा गास करने से पहले कह दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम www.joinpakistanarmy.pk पे जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सिंपल। यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहले ऊपर आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपने इस पे क्लिक करना है। आपको डिफरेंट पेज सामने आ जाएंगे डिफरेंट चीजों के बारे में, क्योंकि एयरफोर्स आर्मी सारा रिलेट कर रहे होते हैं आपस में ना। अब हम सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपने अप्लाई करने के बाद वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने नीचे जाना है, यहाँ पे आपको ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी के एज अ टाइटल मिल रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे आ जाएंगे आर्मी में कौन कौन सी जॉब्स ओपन है और उसमें इस टाइम आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 148 पीएमए लॉन्ग कोर्स सबसे ऊपर नजर आ रहा है, उसके बाद सोल्जर टेक्निकल कैडेट कोर्स 33, जिन जिन ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ऑफिसर हमने अप्लाई करना है। हम अपने काम की तरफ जाते हैं, ये आप देखेंगे पीएमए 148 लॉन्ग कोर्स, ये देखें 148 पीएमए लॉन्ग कोर्स आपके सामने डिटेल नजर आ रही है। फॉर कोर्स डिटेल क्लिक है, जिन्होंने भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है वो सबसे ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन जिस तरह हम अप्लाई करने लगे हैं हम इस सेंटर में क्लिक करेंगे, और जो अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद उन्हें अपनी एग्जाम स्लिप प्रिंट निकलवाने के लिए वो एग्जाम स्लिप पे क्लिक करेंगे, ताकि अपनी वो जो उनके पास एक पेज आएगा वो एक प्रिंट लेके आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे जाएंगे और उन्हें एंट्रेंस मिलेगी। हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं, फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक है, हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारे पास ये सामने पेज ओपन हो चुका है कि आपने किस में अप्लाई करना है 148 लॉन्ग कोर्स में। अब सबसे पहले टेस्टिंग सेंटर, जो फॉर एग्जाम्पल पंजाब से है टेस्टिंग सेंटर, उनके रिलेटेड नियर कौन सा है। अब देखें ना इसमें अगर लाहौर आपके नजदीक है, पिंडी आपके नजदीक है, कराची आपके नजदीक है, जो सा भी नियरेस्ट आपके आर्मी सिलेक्शन सेंटर है आपने उस पर क्लिक कर देना। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे सबसे पास लाहौर है, हम लाहौर पे क्लिक कर देते हैं। ये लाहौर हो गया। अब नाम मेंशन करें अपना, सबसे पहले सब अपना नाम मेंशन करेंगे, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अब्दुल वहाब, ये अप्लाई कर दिया। अब आपने डेट ऑफ बर्थ जो भी, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने मेंशन करनी है, जनवरी जुलाई आपने नेक्स्ट ईयर मंथ मेंशन कर देना है 2002। आगे कैंडिडेट वे फॉर्म आपने अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन करना है। अगर आपका आईडी कार्ड नंबर नहीं है, आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, तो आपका वे फॉर्म जरूर होगा, आप वे फॉर्म नंबर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें हमने अपना आईडी कार्ड नंबर फिल कर दिया। वेरीफाई कैंडिडेट नंबर जो आपने ऊपर लिखा है आपने सेम टू सेम वेरीफाई इधर भी वही कितने फादर गार्डियन नेम, गार्डियन नेम फॉर एग्जाम्पल जिसके सरपरस्ती में आपके घर चल रहा है आपने उसका नेम लिखना है, अपने फादर का नाम लिख दें, आपके फिर फादर का सीएनआईसी लिख देना है आपने इधर, जो भी आपके फादर का सीएनआईसी है आपने वो मेंशन कर देना है। फादर प्रोफेशन कैटेगरी, अगर आपके आर्मी वाले सब बिजनेसमैन है अपने बिजनेसमैन पे क्लिक करेंगे, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आर्मी में सर्व कर रहे हैं, शहीद हो चुके हैं, जिसमें भी होगा आपने उस कैटेगरी में अप्लाई करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके वाले सब बिजनेसमैन में नहीं आ रहे, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई हल्का फुल्का दूसरा काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब पे क्लिक कर देंगे। ये प्रोफेशनल क्लिक, फॉर एग्जाम्पल किसी के वाले साहब अगर बैंक मैनेजर है तो लिखेंगे मेरे वाले साहब बैंक में मैनेजर है, पंजाब बैंक में इस तरह सर्व कर रहे हैं, आप इस तरह लिखेंगे फादर रैंक्स। ये आप उस सूरत में लिखेंगे फादर रैंक जब आपके वाले साहब आर्मी से रिलेट कर रहे होंगे या आर्मी की किसी पोस्ट पे होंगे, वरना आपने इसे नील छोड़ देना, आपने इस पे किसी पे भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये हमारे लिए है ही नहीं। ये देखिए फादर रेजिमेंट कॉप्स, ये भी सिर्फ आर्मी के लिए होती है कि कौन सी रेजिमेंट कौन सी सर्व में आर्मी आप काम कर रहे हैं। फादर पेरेंट यूनिट, सिविलियन बनने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आर्मी सन्स के लिए। फादर स्टेटस, ये जी अगर आपके वालिद साहब अल्लाह जिंदगी दे अगर हैं तो अलाइव पे क्लिक करें, और अगर फोर्थ हो चुके हैं तो फिर डिजीज पे क्लिक करें। फादर इनकम, आपने यहाँ पे कौन सी कैटेगरी पे आप एलिजिबल, लेस देन 25,000, मोर देन 26,000, अप टू 50,000, जिस भी कैटेगरी में भी आप एलिजिबल हैं आपने उस पर क्लिक कर देना है। फॉर प्लेस ऑफ बर्थ डेथ, कि आपके वाले साहब अगर फोर्थ हो चुके हैं तो कब फोर्थ हो चुके हैं, यहाँ पे किसी ने ये नहीं समझना कि आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जा रहा है, आपकी उस डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जा रहा है जो आपके वाले साहब फोर्थ हो चुके हैं, तो आप उसकी डेट यहाँ पे मेंशन करें। फादर नेचर ऑफ डेथ, कि फादर कैसे फोर्थ हुए, उनकी नेचुरल डेथ हुई या कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई और हादसा हुआ उनके साथ। प्लेस ऑफ ऑपरेशन, कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो ऑपरेशन किस जगह पे हुआ, इंजरी उन्हें किस टाइप की हुई। अपने उसके बाद मदर नेम, आपने मदर का नाम मेंशन करना है, यहाँ पे मदर का सीएनआईसी मेंशन करना है। मदर प्रोफेशन कैटेगरी, लेकिन 90% की मदर जॉब कर रही होती है, जिनकी जॉब का प्राइवेट जॉब पे लिख दें, जिनकी हाउसवाइफ हो हाउसवाइफ पे क्लिक कर दें सिंपल।
मदर्स प्रोफेशन, प्रोफेशन में भी आपने सिर्फ हाउस वाइफ लिख देना है। आगे नेक्स्ट है मदर्स रैंक, ये भी सिर्फ आर्मी के लिए, लेकिन नीचे सेम टू सेम ऊपर फादर्स वाला आ रहा है, मदर रेजिमेंट कॉर्प्स, पेरेंट यूनिट्स, मदर स्टेटस, यहाँ पे फिर आपने लाइफ कर देना, मदर इनकम आपने फिर लिख देना यहाँ पे, उसके फादर्स एजुकेशन लिख देनी है आपने, अगर मिडिल किया, प्राइमरी किया, मैट्रिक किया, जो भी है, मदर्स एजुकेशन आपने लिख देनी है। उसके अलावा फिफ्थ सिबलिंग्स, अपने आप को छोड़ के आपने लिखना है कि मेरे तीन बहन भाई हैं, तीन बहन, दो भाई हैं, एक बहन, आपने उनको खुद को छोड़ के आपने उनका तीनों की मेंशन कर देना, नंबर मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल थ्री सिबलिंग्स है, फादर्स इनकम क्या है ये आपने फिर मेंशन कर देना, डोमिसाइल आप किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी सिटी गुजरावाले से बिलोंग कर रहे हैं आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, यहाँ पे प्रोविंस लिख देना आपने, अपना पंजाब प्रोविंस लिख देना है, पोस्टल कोड जो भी आपने अपने पोस्टल कोड अपने गूगल में सर्च कर लेना है, आपको पोस्टल कोड नजर आ जाएगा, अपनी सिटी का नाम नेम लिख के आपने पोस्टल कोड लिखना, आपको पोस्टल कोड आ जाएगी। सिलेक्ट तहसील, आपने तहसील है तो तहसील सेलेक्ट कर ले वरना स्किप कर दे। एड्रेस, आपका नेक्स्ट एड्रेस क्या है आपने फुल तफसील से लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हम बिलोंग कर रहे हैं फैसल कॉलोनी, फैसल टाउन, सियालकोट, यहाँ फॉर एग्जाम्पल जिस तरह भी है हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं। परमानेंट एड्रेस आपने अपना लिख लेना यहाँ पे कि आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है, परमानेंट एड्रेस भी आपका यही है कि फॉर एग्जाम्पल अस्करी वन फेस, जो भी आपका ऊपर एड्रेस है वही आपने नीचे लिख देना सेम टू सेम, फैसल टाउन सियालकोट, यही आपने सेम टू सेम इधर लिख देना। जेंडर मेल आपने अप्लाई ये है ही है। मार्शल स्टेटस अगर मैरिड है तो आपने मैरिड लिखना है, सिंगल है तो मैरिड लिखना है, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड भी क्लिक करना है। मैरिड रिलीजन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम भी क्लिक कर दें आप। सेक्ट क्या कास्ट है आपकी, सुन्नी शिया, ये आपने जरूर फिल करना है, अगर सुन्नी है तो सुन्नी पे क्लिक कर दें। नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम आप किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं आपने उस पर क्लिक कर देना है। फॉर सिख है जो सिख भी बिलोंग कर दें। कास्ट आपकी कास्ट सब कास्ट क्या है आपकी, फॉर एग्जाम्पल जो जट होते हैं, कोई बट होते हैं, जो भी आपकी कास्ट इस तरह आपने मैंशन कर देना है। मोबाइल नंबर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है कि अगर आपको कोई भी इशू हो एस आर्मी सिलेक्शन सेंटर डायरेक्ट आपसे रब्ता करें। आपने अपनी ईमेल देनी है, वो वाली ईमेल देनी है जो आप अक्सर चेक करते रहे। या पेरेंट्स कैंडिडेट आपने लिखना है कि आप रिकमेंडेड हैं, ये तो नहीं आप नॉट रिकमेंड हो गए दोबारा टेस्ट दे के आ रहे हैं। आपने लिखा अगर फ्रेश है तो फ्रेश पे क्लिक कर दें, फ्रेश ही रहने दें। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके तो आपने यहाँ पे डिटेल देनी है कि मैं पीएमए 143 में अप्लाई कर चुका हूँ, मैं पीएमए 145 में अप्लाई कर चुका हूँ, जो उनसे बैच में भी आपने किया है उन्हें समझ होगी। एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस, आप कहीं सर्व तो नहीं कर रहे, आप कहीं काम कर रहे हैं, पहले जॉब कर रहे हैं आर्मी में, नेवी में, पैफ में, तो आपने अगर किसी में जॉब कर रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके अलावा टाइप ऑफ पासपोर्ट, आप कितने विजिट कर चुके हैं, अगर हज कर चुके हैं हज पे क्लिक करें, और भी आपके पास डेट ऑफ पासपोर्ट इश्यूज, आपको किस डेट पे आपको पासपोर्ट मिला ये आपने लिखना है, और अगर नहीं मिला तो आपने सबको स्किप कर देना है, कोई कंपलसरी नहीं है। प्लेस ऑफ पासपोर्ट, आपको किस जगह से पासपोर्ट मिले अपने शहर का नाम लिख देना। क्वालिफिकेशन एफएससी की बेस पे कर रहे होंगे या आप फर्स्ट ईयर की बेस पे कर रहे होंगे, इंस्टीट्यूट पंजाब कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से कर रहे हैं, पैक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से कर रहे हैं, स्पीड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से कर रहे हैं, आप जिस भी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से कर रहे हैं आपने उसका इधर नेम मेंशन करना है। उसके बाद ये जो आपको कोड एंटर कोड दिया गया है, ये एंटर कोड आपने इधर कोड पुट करना है, उसके बाद रजिस्टर कर देना। मैं रजिस्टर नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ऊपर मैंने गलत दी हुई है, आपने इधर रजिस्टर कर देना तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको कोई भी मसला हो मैंने अपनी पूरी वीडियो में आपको डिटेल से बताया, कोई भी मसला हो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बहुत शुक्रिया मेरी दूसरी वीडियो तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट मेरी वीडियो इनिशियल के बारे में होगी, इनिशियल आपने टेस्ट कैसे क्लियर करना है। बहुत शुक्रिया, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।